चखियो दाने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ ज्योत्सना, आप सबके लिए लेके आई हूँ और प्यारी सी यम्मी यम्मी रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन बिरयानी। तो पहले तो कोई वो नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूँ, थोड़ी बहुत मैंने तैयारियाँ कर ली है और थोड़ा बहुत को करना है, तो मैंने सोचा कि आप सबसे मैं रेसिपी शेयर करूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बिरयानी के लिए हमने ये चावल कुक कर लिए हैं, ये मटन को भी बॉईल कर लिया है, मिर्च, थोड़ा सा अदरक, प्याज के साथ तेल में जीरा का तड़का लगा कुक कर दिया है। हमें ग्रेवी बनानी है तो उसके लिए मैंने लिए है एक टमाटो और एक मिर्च, थोड़ी सी प्याज, अदरक और लहसुन। तो इसको हम ग्राइंड करेंगे और ये थोड़ा सा तड़के के लिए, और ये है हमारी प्याज जो हमको फ्राई करनी है। तो मैं इसको इसमें डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। और मैं कोई भी गरम मसाला अभी नहीं पीस रही, हमारी कुछ इस तरह से पेस्ट बन के रेडी है। अब मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले, सिर्फ ऐसे ही सारी चीज़ों को पीस लिया है। अब हम तड़का लगाएंगे। इस तरह से पेस्ट बनाने से हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक बनती है। और मैंने ये लिए हैं कुछ गरम मसाले, जैसे कि ये लौंग है और ये तेजपत्ता, और इसको हम मिरी बोलते हैं लेकिन हिंदी में शायद इसको काली मिर्च बोलते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा ही गरम मसाला लिया है, मैं ज़्यादा गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तेल। अब तेल हमारा गरम हो चुका है तो इसमें मैं डालूँगी ये जीरा और ये गरम मसाले को मैंने पानी में भिगोया है ताकि हम सीधे डालें तो ये मसाले हमारे जल ना जाए। इसमें मैं थोड़ी सी प्याज डाल रही हूँ, मुझे ये प्याज फ्राई करनी थी लेकिन मैं अलग से फ्राई कर लूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल। ये हमारी प्याज भुन चुकी है, इसमें डालेंगे मिर्च, के बाद हम डालेंगे ये टमाटर। मैं डालने जा रही हूँ मसाले, जैसे कि ये थोड़ी सी मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को पका लेंगे। ये मसाले हमारे पक चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे ये ग्रेवी। इस ग्रेवी को अच्छी तरह से पका लेंगे। और ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें डालेंगे ये मटन जो हमने तड़का लगा के पहले से ही बॉईल किया है, और मैंने इसमें एक आलू डाला है। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने आलू डाला है क्योंकि मैं ये मटन ग्रेवी सब्जी बनाने वाली थी और फिर डिमांड आई कि नहीं बिरयानी खानी है, तो मैंने सोचा कि चलो चल जाएगा ये। तो वहाँ साइड में जो हमने अनियन तेल में फ्राई करना भूल गए थे तो मैं यहाँ कर लेती हूँ। ग्रेवी कितनी थिक हुई है,
है ना, बस इसको थोड़ा सा ही और मैं थिक कर दूंगी। और उसके बाद लेयरिंग जो करनी है हमको वो करेंगे। और आपके पास फ्रूट कलर है तो ये चावल को आप फ्रूट कलर में भी कलर कर सकते हो, ग्रीन या येलो, जो भी आपके पास फ्रूट कलर है वो। मैं कोई फ्रूट कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं ऐसे ही वाइट चावल में ही बिरयानी बना रही हूँ। ऑलमोस्ट अभी बन के रेडी है तो मैं गैस को यहाँ पे ही बंद करूँगी। फ्राई हो चुकी है कुछ इस तरह से, मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया, फिर वो जली जली अच्छी नहीं लगती। मुझे आपको वैसी पसंद है तो आप बना सकते हो। और मैंने उसी में भी कोई गरम मसाला पिसा हुआ यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा मैं कम यूज़ करती हूँ इसके लिए। तो प्याज फ्राई किया था वही इसमें पहले डालूंगी। चावल आप चाहते हो इसमें फ्रूट कलर डालना तो आप इसमें डाल सकते हो, तो मैं पहले अच्छी तरह से चावल डाल दूंगी। तो मैं 2 से 3 ही लेयर करूंगी। हम डालेंगे जो मटर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है वो। बाद फिर से डालेंगे चावल। अब हम ये डालेंगे थोड़ी सी अनियन ऊपर से, बीच में भी आप लेयर में डाल सकते हो लेकिन मैंने नहीं डाला। ये धनिया, जो तवा है जिसपे हम रोटी बनाते हैं वो मैंने रखा है, और इसके ऊपर हम ये रख देंगे तो ये सीधे हिट मिलेगी तो ये नीचे चिपक सकती है। इसके लिए मैंने पहले तवा रखा है, उसके बाद मैंने ये रखा है, और अब हम इसको बस 5 मिनट ही कुक करेंगे। तो जब तक हमारी बिरयानी कुक हो रही है तब तक हम कर लेते हैं दूसरे काम। तो मैंने आज राशन भरवाया है तो वो भी मुझे रखना है, तो मैं तब तक वो कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी कैसी बनी है। और हम अनिल को टेस्ट करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसी बनी है। ये हमारी बिरयानी रेडी है। देखो कुछ इस तरह से बनी है, और अब हम अनिल को बोलेंगे कि टेस्ट करके बताएं कि कैसी बनी है। अनिल रेडी? I am ready. चखियो दाने। Yummy. Okay. मस्त बनी, गरम है। आई होप आपको ये मेरा रेसिपी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साइड में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लेना। और मिलती हूँ मैं और एक प्यारे वीडियो में। मस्त।